दशानन रावण भी विफल हो रहा है इनके सामने और पितृ पर्वत भी नष्ट हो गया। इसलिए मुझे दोष देने से पहले तुम विचार करो भंडासुर, कि अब तक तुम्हारे लिए युद्ध करने वाले असुरों की मृत्यु का कारण कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं। उसे पाताल की अगल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो। विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ, क्या कर दो अपनी पुत्री, जाओ, क्या कर दो अपनी पुत्री, जाओ, कर दो अपनी पुत्री। कहीं ये तो नहीं युद्ध में मेरी पराजय की कारण? यदि भंडासुर ये सोच रहा है कि उसकी पराजय रश्मि प्रभा के कारण हो रही है, तो अब रश्मि प्रभा वहाँ सुरक्षित नहीं है। जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। आपको मेरी सौगंध है प्रभु। ऐसी संतान का क्या लाभ है जिससे मुझे हानि हो? पिताश्री, मुझसे क्या भूल हुई है? आप मुझसे इतने क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हनुमान! खेल के आरंभ में तीव्र दौड़ने वाला अश्व खेल के अंत तक थक कर हार ही जाता है। तुम्हारा भी वही परिणाम होगा। सावधान! अब सामना करो मेरे विशेष अस्त्र का। ये तुम्हारा अंत कर देगा हनुमान। दानव अस्त्र। समाप्त हुआ है और ना ही मेरी पराजय हुई है, क्योंकि अनेक भयंकर अस्त्रों के धनी दशानन रावण जैसे महायोद्धा को पराजित करना असंभव के समान है। नहीं, अभी ये दुष्ट पुनः निश्चिंत हुआ है, इसलिए अभी तो ये रश्मि प्रभा को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। करो मुझसे। ये तो जैसे दो महावानरों का महाविनाशी युद्ध है। एक और मेरा ये दानव हनुमान को परास्त करेगा। और दूसरी ओर मैं तुम दोनों भ्राताओं को पराजित करने का आनंद प्राप्त करूंगा। अब बारी है एक ऐसे अस्त्र की जिससे बचना असंभव है। कदाचित मुझे इसका प्रयोग पहले ही कर लेना चाहिए था। रावण अस्त्र। इन दुष्ट असुरों के पास और कितने भयंकर अस्त्र हैं? और ये रावण अस्त्र क्या है जिसका प्रयोग अब इस रावण ने किया है? माता, तप की ऊर्जा और शक्ति का कोई तोड़ नहीं। रावण का ये अस्त्र उसके 10,000 वर्षों के तप का फल है।
इसीलिए अत्यंत भयंकर ही नहीं घोर विनाशकारी भी है। इसको रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तुम्हें मेरे शक्ति का पालन हो जाएगा। तुम कितने भी प्रहार कर लो किंतु इस राम भक्त हनुमान को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। इस असुर के हाथों में तो मेरे अनुमान से अधिक शक्ति है। इसे शीघ्र रोकना होगा मुझे। देखा, कुछ नहीं हुआ ना मुझे। तुम्हारा वार व्यर्थ हो गया ना। परिस्थितियां रावण की दास है, रावण परिस्थितियों का नहीं। उन्हें दौड़ना मरोड़ना रावण भली भांति जानता है। दशानन रावण, मैंने तुम्हारा स्मरण पहले क्यों नहीं किया? मेरी विजय बहुत पहले हो जाती। भैया की ओर बढ़ते हुए ये रावण रूपी अस्त्र बाण अभी तक नष्ट नहीं हुए। रावण ने तो सभी ओर संकट उत्पन्न कर दिया है। इसका शीघ्र उपाय करना होगा मुझे। माता, रावण ने जो पाप और अधर्म अपने जीवन में किए हैं वो तो निसंदेह ही बुरे हैं, किंतु उनसे भी बुरा है उसके तप का अहंकार, जो उसे और उसके अस्त्र को शक्तिशाली नहीं दुर्बल बनाएंगे। तब तो माता, मैं समझ गया इस रावण अस्त्र को कैसे मिटाना है। शीघ्र जाओ पुत्र और जाकर प्रभु श्री राम को सूचित कर दो। कहीं श्री राम के निकट उनका विघ्नहरने तो नहीं आए हैं? प्रभु, रावण अस्त्र में भले ही उसके तप की शक्ति समाहित है, जिसे रोकना सरल नहीं, किंतु अधर्म, पाप और अहंकार को धर्म की शक्ति सरलता से मिटा सकती है। अब कोई संकट नहीं है मेरे लिए। गणेश जी ने जो भी युक्ति सुझाई होगी वो मेरे रावण अस्त्र के समक्ष निष्फल हो जाएगी। ये 10 बाण और सबका अंत। प्रणव शब्द ओम कुंदारम अस्तु।
प्रभु श्री राम ने धर्म, वेद और प्रणव शब्द की शक्ति से एक नए अस्त्र को क्रियान्वित किया है, जो रावण के रावण अस्त्र की समस्त शक्ति को सोख लेगा और उसके दोष और पापों के साथ उस अस्त्र को भी नष्ट कर देगा। और तुम्हारी सेना दोनों नष्ट होंगे। अब बिता दूंगा, अंत कर दूंगा तुम्हारा। जो अधर्म से उत्पन्न हुआ हो वो धर्म की शक्ति के आगे कभी नहीं टिक सकता। जो संभव हो वो कर लो श्री राम, सब व्यर्थ है। तुम में से ऐसा कोई नहीं जो मेरे अस्त्रों का सामना कर सके, ना ही तुम्हारा भक्त हनुमान मेरे दानव अस्त्र से निकले दानव का सामना कर सकता है, ना ही तुम्हारा अनुज लक्ष्मण मेरी सेना का, और ना ही तुम स्वयं प्रभु श्री राम। मेरे दिव्य अस्त्रों को कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे इन लकड़ियों के बाण से। अधर्म ये कभी नहीं समझ पाते रावण कि धर्म की साधारण सी लगने वाली शक्ति भी अधर्म की असाधारण शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होती है, जिसका प्रमाण अब प्राप्त होगा तुम्हें। सच है, राम का नाम अपार शक्ति का स्रोत है, जिसके आगे और कुछ नहीं टिकता। किसी माया का परिणाम है। जो शस्त्र अपार विनाश कर सकते हैं, जिन्हें पराजित करना असंभव है, वो कैसे नष्ट हो रहे हैं ये समझने में असमर्थ हूं मैं। समझने में असमर्थ हो बंडासुर, अथवा समझ कर भी ना समझ बन रहे हो। जो तुम्हारी पराजय का कारण है वो तुम्हारे सामने है, जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, जिसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। पिताजी को अचानक फिर से ये क्या हो गया है? वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे उन्हें मुझसे ही कोई बैर है? रश्मि प्रभा पुनः कहीं संकट में ना आ जाए। ये इन प्रकारें इस बार इस युद्ध में विजय मेरी ही होगी।
जो अपराध किया है अब उसका दंड दूंगा तुम्हें। रावण, तुम पुनः अपने अंत के निकट हो। असुरों, तुम्हारे प्रत्येक आक्रमण का उत्तर है हमारे पास। बस अब तुम्हारी ये क्रीड़ा रोकनी होगी मुझे। मेरा रथ नष्ट हो गया। दूर फेंक दूंगा यहां से। आओ तो प्रयास करो दुष्ट। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रावण जो भी कर रहा है उसका कोई लाभ नहीं हो रहा, और उसका कारण है ये रश्मि। क्या हुआ पिताश्री, आप कुशल तो हैं ना? कितना मधुर स्वर है इसका, कितनी निर्दोष है ये। तुमने अपने विकारों से प्रेम भाव पर तो विजय पा ली, फिर अब क्यों रुके हो तुम, जब सब कुछ भली भांति ज्ञात है तुम्हें कि तुम्हारे पराजय के मूल में यही है, इसका ही अस्तित्व है। पिताजी क्या सोच रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। सब नष्ट हो रहा है वहां। नहीं नहीं, पुत्री के प्रेम में पड़कर मैं पराजय का मुख नहीं देखना चाहता। पूर्व में जो कार्य मुझसे अधूरा रह गया उसे अब मैं पूर्ण करके रहूंगा। तुम्हारे हृदय में बस एक ही इच्छा है, किसी भी प्रकार विजय प्राप्ति की। मुझे अपने क्रोध को तुम्हें प्रभावित करने दो भंडासुर। बार बार पराजय से सामना होने के कारण भंडासुर अपना संतुलन खो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप विकारों के प्रभाव में वो अवश्य रश्मि प्रभा को पुनः हानि पहुंचाने का विचार करेगा। तुम अभी भी इस पराजय को जय में परिवर्तित कर सकते हो भंडासुर। त्याग उसे करना चाहिए तुम्हें, नहीं भंडासुर। विजय के लिए कुछ भी करना उचित है भंडासुर। इसके पूर्व के राम दशानन रावण के अंतिम शीश को
विलग कर उसका अंत करें। तुम ये त्याग करो, ये सोच विचार का नहीं, कुछ करने का समय है भंडासुर। त्याग करो उसका, यही एक मार्ग शेष है। शीघ्र करो, तभी विजयी हो गए। तुम्हारे पद की बाधा तो तुम्हारे सामने है। त्याग करो उसका, त्याग करो उसका भंडासुर, त्याग करो, त्याग करो उसका, करो उसका, त्याग करो भंडासुर, त्याग करो उसका, त्याग करो उसका। मेरा वध करना इतना सरल नहीं है राम। तुम जितने शीश विलग करोगे, मैं उतने ही नए शीश उत्पन्न करूंगा। बस अब बहुत हुआ राम, तुम्हारा कोई भी बाण अब मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए जितने भी बाण चलाने हो चला लो। रश्मि प्रभा, मुझे पुकार लो तो मैं तुम्हारी रक्षा करने वहाँ पहुँच जाऊँगा। जो प्रतिज्ञा तुमने मुझसे ली थी उससे मुझे मुक्त कर दो। मेरा कदा प्रहार तुम्हारे शरीर को फेंक देगा। अब तुम प्रहार ही नहीं कर पाओगे। कहा था ना मेरे राम, कोई क्षति नहीं होगी। पिछली बार भी प्रभु श्री राम ने रावण का वध तभी किया था जब श्री राम भक्त महाबली हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के बाण को उचित दिशा दी थी। इसलिए रावण का वध तो तभी संभव है जब फिर से प्रभु के बाण का वार उसकी नाभि पर हो। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ये ज्ञात होने पर भी इसमें हनुमान जी की सहायता की प्रतीक्षा करेंगे, किंतु हनुमान जी तो इस दुष्ट में उलझे हुए हैं। विजय होगी, इसलिए अब तो ये त्याग अनिवार्य है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा पिताश्री, आप अपनी पुत्री के लिए ऐसे शब्द कह रहे हैं। ना, अब कुछ नहीं, तुम्हारी कोमलता, मिठास कुछ नहीं रोक सकेगी मुझे। बिना रश्मि प्रभा के पुकारे मैं भंडासुर को रोकूं तो कैसे रोकूं? उसकी रक्षा की कोई तो युक्ति शीघ्र सोचनी होगी मुझे। इस प्रकार तो प्रभु श्री राम के बाण भी व्यर्थ होते रहेंगे। मेरी शक्ति के आगे इस बार असहाय हो तुम प्रभु श्री राम। भंडासुर को ये विश्वास है कि यदि वो रश्मि प्रभा का त्याग करेगा तो रावण की विजय हो जाएगी, तो उसका वो भ्रम तोड़ना होगा मुझे।
और ये तो हनुमान जी की सहायता से रावण का वध होने के बाद ही होगा। मुझे अभी जाकर हनुमान जी को प्रभु श्री राम के पास भेजना होगा। विजय होऊंगा मैं। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी तो मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे हैं। अब मैं उनका ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित करूं? प्रभु श्री राम। क्या हुआ मेरे प्रभु श्री राम को? हटो दुष्ट, मुझे मेरे प्रभु श्री राम के पास जाना है। कुछ नहीं होगा, कहा था ना मैंने, कुछ नहीं होगा मुझे। ये अधर्मी रावण प्रभु श्री राम का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। मुझे क्षमा करें हनुमान जी, श्री राम का आज आपके बिना कहाँ संभव है। प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कदापि कुछ नहीं कहेंगे, किंतु उन्हें आपकी आवश्यकता है। पूर्व में भी आपने ही प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सहायता की थी, और अब वो समय आ गया है जब उन्हें पुनः आपकी सहायता की आवश्यकता है। मेरे प्रभु श्री राम को मेरी आवश्यकता है? आवश्यकता तो मुझे है तुम पर वार करने की। ज्ञान कुंड सागर जय कपी सति लोक उजागर भूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत धामा रवि करम बजरंगी कुमति निवार सुमति के प्रभु, अब मैं आपका बाण व्यर्थ नहीं होने दूंगा। प्रभु भी जानते हैं कि रावण के प्राण उसकी नाभि में स्थित हैं, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी भी उसकी नाभि को लक्ष्य नहीं करेंगे। अतः रावण के अंत के लिए ये कार्य मुझे ही करना होगा। जय श्री राम। नहीं, ये बाण मेरी नाभि की ओर कैसे बढ़ने लगा? जय श्री राम। श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय।
मेरी पराजय का कारण। किंतु यदि मैं तुम्हारा त्याग कर दूं, तो ये अस्त्र अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा और मैं उस देवी से युद्ध कर सकूंगा। जब वो एक बार तुम्हारे जीवन को संकट में डाल सकता है, तो पुनः अपनी शक्ति पाने के लिए वो फिर से तुम्हें मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। मेरे पिताश्री, मुझे विश्वास है आप मुझसे अधिक नहीं करते और आप फिर से मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए पिताश्री, आप जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ है। अपनी छोटी सी पुत्री को हानि पहुंचाने का पाप करेंगे। जो अधर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका है, उस पर कैसा विश्वास? ये वो भंड है जिसे बुद्धि का, ज्ञान का, परामर्श का कोई लाभ नहीं। मुझे पुकारो रश्मि प्रभा, मेरा नाम पुकारो और स्वयं को सुरक्षित करो रश्मि प्रभा। पिताश्री, क्या आपके लिए मैं नहीं, वो सम्राज, वो अनेक लोगों पर आपका वर्चस्व अधिक बढ़ा है। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो तुम नहीं, इस युद्ध में मेरी विजय है और वो तुम्हारा त्याग करने पर ही संभव होगी। ये मेरे पिता समान ही कौन असुर है जिसे मैं पहचानती भी नहीं, और ये इतने दुष्टता भरे चेसेस कैसे हैं? इन्हें मैं पहले क्यों ना देख सकी? त्याग तो करना होगा, तुम्हारा त्याग जो इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको मेरी सौगंध है प्रभु, जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वह मेरे रक्षा के लिए नहीं आएंगे। मैंने वचन दिया है उसे, इसीलिए मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। रश्मि प्रभा, अब तो तुम अपने पिता का वास्तविक परिचय प्राप्त कर चुकी हो, तो अब तो मुझे पुकार लो। यदि आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है पिताश्री, तो आपको जो करना है कीजिए पिताश्री। मेरे विजय की बाधा को अब मैं और नहीं सहूंगा, अपने त्याग को पूर्ण करूंगा अभी इसी समय। प्रभु गणेश जी। बुद्धि सा तामसी, अर्थात तमो गुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म और संपूर्ण वस्तुओं को उल्टा मान लेती है। धर्म अधर्म के संघर्ष में धर्म का बल ही सदा सफल होता है। देखो भंडासुर, तुम्हारा खड़ग कैसे नष्ट हो रहा है। बस भंडासुर, दूर हटो अब। पिताश्री, अमरपुर से आ रही ये भयंकर ध्वनि कैसी है? गणेश मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? हाँ कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गजानन से भेंट किए बिना यहाँ से प्रस्थान करना तो मेरे हृदय को नहीं भा रहा है। आपने उचित कहा हनुमान, हृदय तो अभी हम सबका भी नहीं भरा, किंतु कर्तव्य सर्वोपरि है। किंतु आप चिंता मत करें हनुमान, आपको गणेश से भेंट करने के अनेकों अवसर मिलेंगे भविष्य में, विशेष करके कलयुग में। आप गणेश द्वारा सभी देवी देवताओं के भक्तों की रक्षा के साक्षी बने, उसी प्रकार जिस प्रकार वो अभी अपने विशेष भक्त की रक्षा कर रहा है। रश्मि प्रभा, गणेश
गणेश जी, मैं जानती थी आप मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गणेश जी। नहीं गणेश जी, मैं कुशल नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गणेश जी, मेरे पिता का हृदय इतना कठोर कैसे हो गया है? सामने पुत्री के प्रेम से भी नहीं पिघलता। जो अपनी विजय से प्रेम करते हैं उनके लिए प्रेम दया ममता का कोई अर्थ नहीं। विजय के लिए तो हृदय को कठोर करना ही पड़ता है। देखिए ना प्रभु, अब तो और भी क्रोध दिखाई दे रहा है। वो भंडासुर के पास अभी अनेकों अस्त्र हैं गणेश जी। अनुचित विजय की लालसा व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर धकेल ही देती है, फिर वो किसी का प्रेम अनुराग कहाँ देख पाता है। उसमें तो केवल भंडासुर के समान एक क्रूर असुर ही शेष रह जाता है। अब ये धूर्त क्रूर भंडासुर पीछे से आक्रमण कर रहा है। चिंता मत करो रश्मि प्रभा, मैं सदैव तुम्हारा कवच बनकर रहूंगा। गणेश जी फिर मेरे मार्ग में आ गए। पापी हो तुम, घोर पापी, किंतु तुम पाप और अधर्म के मार्ग को अपनाकर इतने नीचे गिर जाओगे, इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी भंडासुर। दोष तो मेरी कल्पना का था, प्रभु माना था मैंने आपको, मेरे जन्मदाता, मेरे प्रभु, मेरे विघ्न हर्ता थे आप। भी मेरे मार्ग का विघ्न बनकर खड़े हैं, किंतु विजय के पथ में जो बाधा आए पराक्रमी उसे हटा कर ही आगे बढ़ते हैं। पिताजी अब भी क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो गणेश जी से आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे आगे बढ़ना है और आपको मेरे मार्ग से हटना ही होगा गणेश जी। मैं किसी भी बाधा में अपने अस्त्र का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा, फिर वो शत्रु आप ही क्यों ना हो। और विजय के लिए इतना तो चलता है गणेश जी, इतना तो चलता है गणेश जी। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। माता अब आप मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाऊं। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम श्री महाबली हनुमान जी का जय। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम श्री महाबली हनुमान जी का जय। जय श्री राम। माता अब तो केवल भंडासुर ही शेष है, उस पर आक्रमण कब करें हम? भंडासुर पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी देवी मंत्रीनाथ। कल सूर्य की पहली किरण के साथ साथ उसके कण उसके अंत को उसके सामने ले आएंगे। नहीं, मैं अपने प्रभु अपनी पुत्री पर वार नहीं कर सकता। उस प्रेम का क्या लाभ जो तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण ना करे, जो तुम्हारे मान के स्थान पर तुम्हारा अपमान करे। वो भक्ति कैसी जो तुम्हारी विजय से तुम्हें दूर करे। प्रभु पुत्री कुछ नहीं, जो है वो मात्र विजय है। विजय प्राप्ति के लिए सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है भंडासुर, सब कुछ। विजय के लिए
सब कुछ जलता है। तुम्हारी पुत्री के सामने तुम्हें दंडित नहीं करना चाहता मैं, इसलिए अंतिम अवसर देता हूँ। मुझे विवश मत करो, चले जाओ यहाँ से। आप जिसके सामने मुझे क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, वही है मेरी असफलता का कारण। और अपनी विजय के लिए मुझे इसे आपके सामने क्षति पहुंचाने में कोई संकोच नहीं होगा। माता का ही क्रोध है जो गणेश के माध्यम से प्रकट हो रहा है। मैं अभी भी पराजित नहीं हुआ हूँ गणेश जी। भंडासुर, अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुके हो तुम। तुम्हारे पापों की गागर अब भर चुकी है, और जब भी ऐसा होता है तो ऐसा पापी केवल और केवल दंड का अधिकारी होता है। इसलिए दंड के लिए तैयार हो जाओ भंडासुर। पाप का कोई भी रूप ना मुझे भयभीत कर सकता है और ना ही मेरे विजय रथ की बाधा बन सकता है। और विजय के लिए मैं भंडासुर कुछ भी करूंगा। यही हाथ था ना जिससे तुमने रश्मि प्रभा को क्षति पहुंचाई थी। अपनों को कष्ट और पीड़ा देने का यही परिणाम होता है कि स्वयं को अपार पीड़ा भुगतनी पड़ती है। यदि मेरा हाथ मुझे दुर्बल बनाकर मेरे लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेगा तो मैं उसे भी अपने शरीर से विलग कर दूंगा। आप चकित क्यों हो गए गणेश जी? मैंने कहा था ना, आज कोई भी बाधा नहीं रोक सकेगी मुझे। अब मैं करूंगा अपना वास्तविक प्रहार। जैसे बचने के लिए मुझे इसका त्याग करना ही होगा। जब तक मेरे तन में प्राण है, इसके प्राण छीनने का प्रयास कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मैं भी देखता हूं गणेश जी कि मुझसे आप इसकी रक्षा कब तक कर पाएंगे। अब जब भंडासुर युद्ध भूमि में आएगा तो उसके प्राण अब अधिक समय तक शेष नहीं रहेंगे।
कल सूर्य की पहली किरण के साथ उसके कण उसके अंत को उसके सामने ले आएंगे। सूर्योदय के साथ अब भंडासुर के जीवन का अस्त होने ही वाला है। वहां वो खंभ वो मेरा सहायक बनेगा। अब आप नहीं रोक सकेंगे मुझे। ये इस धूम्र के पीछे छिपने की कोशिश क्यों कर रहा है? इससे पहले कि ये इस धूम्र के पीछे छिपकर कुछ अनुचित करने का प्रयास करे, मुझे इस धूम्र को हटाना होगा। इसलिए माता ललिता के देवी दुर्गा स्वरूप के दर्शन गणेश जी में होना स्वाभाविक है। नहीं नहीं, आप मेरे जन्मदाता हैं, आप मेरा अंत नहीं कर सकते प्रभु। जन्म तो मैंने ही दिया तुम्हें, प्राण दिए किंतु क्या लाभ? यदि जीवन को सत्कर्म में ना लगाकर व्यक्ति अधर्म पर चले और अपना जीवन व्यर्थ कर दे तो दंड का ही भागी होता है। तुम्हारे दुष्कर्मों तुम्हारे पापों के दंड के लिए अब तुम्हारा प्राणांत मात्र और मात्र माता पराशक्ति श्री माता ललिता के हाथों ही होगा। माता ने कहा था सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही इसके अंत का आरंभ होगा। अब जब ये दुष्ट भंडासुर उठेगा तो वो अपनी अंतिम सांसें ही गिनेगा, क्योंकि अब उसे चीर निद्रा में सोना है, माता के हाथों उसका अंत होना है। माता, माता प्रणाम। माता पिछली बार मैं आपका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाई थी। किंतु मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्री, और सदा रहेगा। माता मुझे ज्ञात है मेरे पिता ने बहुत पाप किए हैं, किंतु मैं उनकी पुत्री अभी भी मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें क्षमा देने की कृपा कीजिए। उन्हें समझाइए माता कि वो ये सब छोड़ दे, अभी भी अच्छाई का मार्ग अपना ले और आपसे क्षमा मांग ले। पुत्री का पिता होना भाग्य नहीं सौभाग्य होता है, ईश्वर का अनमोल उपहार होता है। आज से मैं घोषणा करती हूँ कि जो भी पिता अपनी पुत्री के स्नेह का सम्मान कर उससे भी स्नेह करेगा वो सदा स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। उसके जीवन में कभी भी कोई अपूर्णता नहीं होगी, किंतु जो भी पिता भंडासुर के समान अपनी पुत्री के स्नेह का अनुचित लाभ उठाएगा उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा, जैसे अब भंडासुर करने जा रहा है। गणेश जी, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। हाहाहाहा
माता, आपके वचन के कारण मैंने आपको प्रत्येक असुर का अंत करने का उपाय सुझाया और सभी आपकी कृपा से पराजित हुए। किंतु अब ये भंडासुर ही शेष है जिसका अंत आपके हाथों ही होगा, इसलिए अब आप इस संसार को इससे मुक्त कराइए। तुम्हारा क्रोध मेरा अंत करेगा, यही कहा था ना तुमने देवी? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा क्रोध नहीं, भंडासुर का क्रोध, भंडासुर का आतंक पराजित करेगा तुम्हें। आज ये भूमि, रणभूमि, समस्त संसार भंडासुर के क्रोध का साक्षी बनेगा। मैं महानतम असुर, सर्वशक्तिशाली हूं गणेश जी। कोई भी क्या, ये देवी पराशक्ति भी मेरा अंत नहीं कर सकती। पिताश्री, आप क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? पुत्री, तुम्हारे पिताश्री के अपराधों के लिए उनकी मुक्ति एक अंतिम उपाय, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा रखने के लिए उन्हें एक अंतिम अवसर अवश्य दूंगी। किंतु अब मैं किसी को कोई भी अवसर नहीं देने वाला। और माता इस दुष्ट को एक और अवसर देने जा रही है, और यहाँ इस दुष्ट ने अपने सभी छहों विकारों को जागृत कर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया है। अनुमति दीजिए। कैसे असंख्य अस्त्रों की वर्षा उत्पन्न करती है? कैसे दूर होगी? अब समय आ गया पुत्री। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे करूंगा, सभी का अंत कर दूंगा मैं।
अस्त्र रश्मि प्रभा का स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे।